स्वागत है आपका ट्रैवल इन्फो विद हनीफ में। आज की हमारी ट्रेन जानकारी है 11019 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से भुवनेश्वर के दरमियान चलने वाली कोणार्क एक्सप्रेस। इस ट्रेन की जानकारी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इस ट्रेन की पूरी जानकारी हासिल हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहें। इस ट्रेन की रिक्वेस्ट की थी साई कुमार श्री रामूला ने और उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हम इस ट्रेन की वीडियो को बनाने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस ट्रेन के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस ट्रेन को पहली सर्विस कब दी गई थी। इस ट्रेन को पहली सर्विस दी गई थी 16 अगस्त 1978 को और ये एक डेली ट्रेन है। और इस ट्रेन के अंदर पेंट्री कार की सुविधा आपको मिल जाती है, इसमें ऑनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा आपको मिल जाती है, इसमें ई कैटरिंग की सुविधा आपको मिल जाती है। इस ट्रेन को जो लोको सर्विस देते हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से वाड़ी के दरमियान में इसको पुणे WDP 4D ये लोको उसको सर्विस देता है। और इसको वाड़ी से विशाखापट्टनम तक विजयवाड़ा लोको शेड का इलेक्ट्रिक लोको WAF 4 इसको सर्विस देता है। इसको विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर के दरमियान विशाखापट्टनम WAF 7 या फिर विशाखापट्टनम WAF 4 ये इलेक्ट्रिक लोको इसको सर्विस देता है। इस ट्रेन को 2 मरतबा पर रिवर्सल किया जाता है। इसको 1 मरतबा विजयवाड़ा जंक्शन पर रिवर्सल किया जाता है, इसको 2 मरतबा विशाखापट्टनम जंक्शन पर इसको रिवर्सल किया जाता है। इस ट्रेन के अंदर ICF श्रेणी के कोच लगते हैं और इसमें 23 कोच होते हैं। इसके कोच कंपोजिशन कुछ इस तरीके से हैं। AC 2 टायर का 1 डिब्बा होता है, AC 3 टायर के 5 डिब्बे होते हैं, इसमें स्लीपर क्लास के 12 डिब्बे होते हैं, इसमें जनरल क्लास के 2 डिब्बे होते हैं, इसमें SLR के 2 कोच होते हैं और इसमें एक पेंट्री कार का 1 डिब्बा होता है। ये ट्रेन कुल 1,929 किलोमीटर का अंतर तय करती है और इसको ये अंतर पूरा करने में 37 घंटे 15 मिनट लग जाते हैं। और ये ट्रेन कुल 41 स्टेशन कवर करती है और इसकी औसतन जो स्पीड होती है वो 47 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होती है। इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की और वो होती है लिंगराज टेम्पल रोड और कलाबुर्गी जंक्शन यानी गुलबर्गा स्टेशन के दरमियान में। और इस ट्रेन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे और एक एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। और इस ट्रेन का फिर मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से भुवनेश्वर तक का जो किराया है AC 2 टायर का वो है 2,780 रुपये GST प्लस रिजर्वेशन चार्जेस मिला के। और इसका AC 3 टायर का जो किराया है वो है 1,890 रुपये GST प्लस रिजर्वेशन चार्जेस मिला के। और इसका स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 700 रुपये रिज़र्वेशन चार्जेस मिला के। और इसका जनरल क्लास का जो किराया है वो 400 रुपये है। ये जो किराया मैं आपको बता रहा हूँ ये अपडेटेड किराया नहीं है, अपडेटेड किराया आप रेलवे के काउंटर पर जाकर इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं या फिर आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर अब इसकी अधिक जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस ट्रेन के रूट के बारे में। तो ये ट्रेन दोपहर में 3:05 पर मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रवाना होती है और इसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है दादर सेंट्रल पर 3:18 पर और 3:20 को यहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है, 9 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है ठाणे 3:38 पर और 3:40 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है और 33 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है कल्याण जंक्शन 4:01 पर और 4:03 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है और ट्रेन अब तक के 51 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है करजन जंक्शन पर 4:43 पर और 4:45 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है, 97 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है लोनावाला 5:33 पर और 5:35 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है और ट्रेन अब तक के 125 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है पुणे जंक्शन 7:00 और 7:05 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 189 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है डॉन जंक्शन पर 8:35 पर और 8:40 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है और 264 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है सोलापुर 12:20 पर और 12:25 को ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है और
451 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है कालाबुर्गी जंक्शन यानी गुलबर्गा जंक्शन के ऊपर 2:30 पर, और 2:33 को ट्रेन से रवाना हो जाती है। 3 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 564 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है वाड़ी जंक्शन पर 3:50 पर, और 4 बजे ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 601 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है सेडम 4:24 पर, और 4:25 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 639 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है तांदूर 4:53 पर, और 4:55 को ट्रेन से रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 672 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है लिंगमपल्ली 6:39 पर, और 6:40 को ट्रेन से रवाना हो जाती है। 1 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 763 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है बेगमपेट 7:00 और 7:02 को ट्रेन से रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 781 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है सिकंदराबाद जंक्शन पर 7:45 पर, और 8 बजे ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 15 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है, और 786 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है काजीपेट जंक्शन पर 10:08 पर, और 10:10 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 918 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है वारंगल 10:18 पर, और 10:20 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 928 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है महबूबाबाद 11:08 पर, और 11:10 को ट्रेन से रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 988 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है खम्मम 11:49 पर, और 12 बजे ट्रेन से रवाना हो जाती है। 1 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 1035 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मधीरा 12:31 पर, और 12:32 को ट्रेन से रवाना हो जाती है। 1 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 1080 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है विजयवाड़ा जंक्शन पर 1:50 पर, और 2:05 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 15 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है, और ट्रेन अब तक के 1134 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है एलुरु 2:48 पर, और 2:50 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 1194 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है ताड़ेपल्ली गुडेम 3:18 पर, और 3:20 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 1242 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है नीदा दौड़ू जंक्शन पर 3:43 पर, और 3:45 को ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 1261 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है राजमुंदरी पर 4:23 पर, और 4:25 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 1284 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है सांबलपुर जंक्शन पर 5:09 पर, और 5:10 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 1334 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है पिथापुरम 5:25 पर, और 5:26 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 1346 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है तूनी 5:54 पर, और 5:55 को ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 1388 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अंकापल्ले पर 7:19 पर, और 7:20 को ट्रेन से रवाना हो जाती है। 1 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 1451 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है विशाखापट्टनम जंक्शन पर 8:45 पर, और 9:05 को ट्रेन से रवाना हो जाती है। 20 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 1484 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है विजयनगरम जंक्शन पर 10:08 पर, और 10:13 को ट्रेन से रवाना हो जाती है। 5 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 1546 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है श्रीकाकुलम रोड पर 11:10 पर, और 11:12 को ट्रेन से रवाना हो जाती है। 1615 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है पलासा 12:18 पर, और 12:20 को ट्रेन से रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है। 1688 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है।
इसके बाद ट्रेन पहुंचती है सोमपेटा पर 12:47 पर, और 12:49 को ट्रेन ऐसे रवाना हो जाती है। डोमेद्रे पर रुकती है, 1720 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है इच्छापुरम पर 1:03 पर, और 1:05 को ट्रेन ऐसे रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है और ट्रेन अब तक के 1738 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है बरहमपुर 1:30 पर, 1:40 को ट्रेन ऐसे रवाना हो जाती है। 10 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है, 1763 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है छतरपुर पर 1:54 पर, और 1:56 को ट्रेन ऐसे रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है, 1784 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है बालूगाँव 2:38 पर, और 2:40 को ट्रेन ऐसे रवाना हो जाती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है, 1839 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है खुर्दा रोड जंक्शन पर 3:45 को, और 3:50 को ट्रेन ऐसे रवाना हो जाती है। 5 मिनट ट्रेन पर रुकती है, 1910 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है अपने आखिरी डेस्टिनेशन भुवनेश्वर स्टेशन के ऊपर 4:35 पर, और ट्रेन अब तक के 1929 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।